तो दोस्तों आज हमारे पास ये गाड़ी आई है और इसमें प्रॉब्लम है एक्सीलेटर को छोड़ने की और पुअर पिकअप की। तो हमने कंप्यूटर लगा लिया है और ये देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कोड आ रहे हैं। 2772 हो गया, 241 हो गया, 1239। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1239 को सॉल्व करने की। ये एक्सीलेटर पेडल का है तो इसी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। मल्टीमीटर से एक बार सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो आप पिन पे देख सकते हो इस पे वो नंबर्स लिखे हुए हैं, ABCDEF। ठीक है, अब ए और डी में 4.8 आ रहा है। ठीक है, अब BOC, BOC 5 वोल्ट, BOC में भी 5 वोल्ट सप्लाई दिखा रहा है। सी और ई में सप्लाई नहीं आ रही, ई में सप्लाई ड्रॉप है। तो दोस्तों देख सकते हो सी और ई में जो है सप्लाई ड्रॉप हो गई है। तो किस कारण से हुई है एक बार कलर चेक कर लो। वायर कलर सी हरे कलर का है और ई जो है ब्लैक कलर और येलो धारी में है। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कपलर है, यही कपलर है एक्सीलेटर के वायरिंग का। तो एक बार इसे निकाल दें, निकाल इसको। ये लूज था ना, इसका लॉक लगा हुआ नहीं था। एक बार वापस लगा के देख, निकल रहा है क्या? खींच के देख। ओ यही प्रॉब्लम है। चल ठीक है, एक बार अच्छे से लगा, दबा के पूरा लॉक कर। पूरा लॉक हो गया। खींच के देख, अभी फुल टाइट है, वापस दबा दे। चल ठीक है, अभी चेक करो। आई सभी में चेक कर ले एक बार। जो बीच के दोनों हैं वो सप्लाई के हैं और उनके आसपास सिग्नल और जो लास्ट में कॉर्नर में दोनों ग्राउंड है। तो सभी वायर्स में सप्लाई बराबर आ रही है, एक बार अच्छे से चेक कर लिया है। तो अब अपन चेक करते हैं, एक बार लैपटॉप पिन को वापस लगा देते हैं और लैपटॉप में देखते हैं कि कोड इनएक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो कि जो 1239 कोड है वो इनएक्टिव हो चुका है। 2772 बच गए हैं। तो सबसे पहले सेंसर का है उसी को चेक कर लेते हैं कि जो चॉइस वोल्टेज सप्लाई है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमने कपलर को निकाल लिया है और एक चॉइस वोल्टेज बल्ब से जो है हम चेक कर रहे हैं। तो बीच वाला सिग्नल है और आसपास ग्राउंड और सप्लाई है। तो लगा लेते हैं एक बार। तो दोस्तों देख सकते हो इसमें सप्लाई चॉइस वोल्टेज बराबर आ रही है। तो एक बार सेंसर को खोल के चेक करते हैं कि सेंसर में क्या प्रॉब्लम है। सप्लाई आने के बावजूद भी जो है स्पीड मीटर काम नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा? ये देखिए दोस्तों, इसमें जो जो ये घूमने वाली चीज़ है जिससे ये किलोमीटर स्पीड काम करता है वो टूट चुकी है, जिसकी वजह से स्पीड सेंसर काम नहीं कर रहा। तो उसको गियर के अंदर से निकालेंगे। वो गियर में देखिए वो वहाँ से आधा टूट गया है, अंदर फंस गया है, तो उसे निकाल। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार वीडियो बनाने में मेहनत पड़ती है, काम के साथ साथ वीडियो बनाना ये सब आपके लिए ही है। तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।